दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे सन 1956 की हिट फिल्म्स के बारे में। 30 जुलाई सन 1956 को गुरुदत्त साहब ने पेश की अपनी फिल्म CID। फिल्म के कलाकार थे देव आनंद साहब, शकीला जी और वहीदा रहमान साहिबा। फिल्म के गीतकार थे जान निसार अख्तर साहब और संगीतकार थे ओपी नैयर साहब। फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी तीनू आनंद के पिताजी श्री इंदरराज आनंद साहब ने। फिल्म CID के निर्देशक थे राज खोसला साहब। फिल्म का बजट था 55 लाख रुपए। फिल्म 2.5 करोड़ रुपए कमाकर सुपरहिट रही। मुझे ऐसा लगता है कि साहब ये किसी एक आदमी का काम नहीं, इसमें कम से कम दो आदमी दरकार। दो आदमी, एक वो जिसने चाकू चलाया और दूसरा वो जिसने चाकू चलवाया। 30 अप्रैल सन 1956 को B.R. चोपड़ा साहब ने पेश की अपनी फिल्म एक ही रास्ता। फिल्म एक ही रास्ता के कलाकार थे अशोक कुमार साहब, मीना कुमारी और सुनील दत्त साहब। चली गोरी पी से मिलन को चली। मजरूह साहब के गीतों के संगीतकार थे हेमंत कुमार साहब। चली गोरी पी से मिलन को चली। तुम सुखी तो हो ना रानी? तुम हमेशा यही सवाल क्यों पूछा करते? इसलिए कि कोई दूसरा नहीं है तुम्हारा सुख दुख पूछने वाला। फिल्म एक ही रास्ता का बजट था 50 लाख रुपए। भाई बहन, कोई भी तो नहीं है तुम्हारा इस दुनिया में, तुम जो। फिल्म 1.95 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी। मेरा भगवान जानता है मैं कितनी सुखी हूँ। तुम जैसा पति और राजा जैसा बेटा बड़े नसीब से मिलता है। राजा की बात थी। फिल्म को तमिल और तेलुगु में भी रिलीज किया गया था। यतीम खाने की दीवारों में पला हुआ एक यतीम। जैसे मैं तो राजमहलों में पली। जा तो सकती थी राजमहलों में। 6 अप्रैल सन 1956 को AVM ने पेश की अपनी फिल्म चोरी चोरी। फिल्म चोरी चोरी के कलाकार थे राज कपूर साहब, नरगिस साहिबा, गोप साहब और जॉनी वॉकर साहब। शैलेंद्र और हसरत के गीतों के संगीतकार थे शंकर जयकिशन साहब। बस बेचारी बेबस हो गई, ड्राइवर भगा ले गया। फिल्म का बजट था 45 लाख रुपए। फिल्म 1.75 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही। दरअसल मैं समझा नहीं, आप तो ताश की रानी समझे। शुक्रिया, मगर आप यहाँ किस खुशी में टिक गए? सोचा आपके कुछ काम आ सके। मैं बच्ची नहीं, हरकतें तो ऐसी कर रही हूँ मालूम पड़ता अभी अंडे में से खींची करती निकल। 8 जून सन 1956 को नव केतन ने पेश की अपनी फिल्म फंटूश। फिल्म के कलाकार थे देव आनंद साहब, शीला रमानी और KN सिंह साहब। लुधियानवी साहब के गीतों की धुन बनाई थी सचिन देव बर्मन साहब ने। मेरे प्यारे दोस्तों, फिल्म फंटूश का बजट था 45 लाख रुपए। फिल्म 90 लाख कमाकर अबाव एवरेज रही थी। बस इतना ही काफी है। जिंदगी के दो हिस्से होते हैं, एक सवाल दूसरा जवाब।
मैंने सवाल लिख दिया, वो जवाब लिखेंगे। जिंदगी के दो हिस्से होते हैं, एक सवाल दूसरा जवाब। ये क्यों लिखा? हाँ आएगा, मैं लेखक हूँ। लेखक? लेखक क्या लिखते हो? तुम जैसे लोगों की कहानी लिखता हूँ। इस सवाल जवाब की कहानी लिखूंगा, फंटूश की कहानी। मेरी कहानी? क्यों नहीं, सच? हाँ मेरी कहानी इससे लिखना। तुम्हारा पेन? तुम रख लो, मैं सिर्फ। 4 मई सन 1956 को मोहन सहगल साहब ने पेश की थी अपनी फिल्म नई दिल्ली। फिल्म नई दिल्ली के कलाकार थे किशोर कुमार साहब, वैजयंती माला और धूमल साहब। गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी साहब के गीतों के संगीतकार थे शंकर जयकिशन साहब। नखरेवाली अच्छा, तो आप चित्रकार हैं? अरे चित्रकार क्या, यूं ही लकीरें खींच लेता हूँ। फिल्म का स्क्रीन प्ले तैयार किया था इंदर राज आनंद साहब ने। क्या होंगी मिस्टर बैनर्जी? अशोक बैनर्जी, और मुझे आनंद कहते हैं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं यहाँ रेडियो इंजीनियरिंग सीखने आया। ये तो और भी अच्छा हुआ, हमारा रेडियो हमेशा खराब रहता है। फिल्म का बजट था 35 लाख रुपए। फिल्म 1,45,00,000 रुपए कमाकर हिट रही थी। अशोक, अरे तुम ये कहने जा रही है? आमी तो भेबेचुन तुम ही बाहर गए चो, अरे तुम्हारे छोभी तुम यहाँ का हो तो वाह। इन्हीं मिस्टर आनंद, कितने? नमस्ते। नमस्कार बाबा, इन्हीं हमें तो घोटा चा जी। मैं कमरे के लिए हाजिर हूँ। 7 दिसंबर 1956 को राजेंद्र सिंह बेदी साहब ने पेश की अपनी फिल्म बसंत बहार। फिल्म के कलाकार थे भरत भूषण साहब, निम्मी साहिबा और कुमकुम साहिबा। गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी के गीतों को संगीत दिया था शंकर जयकिशन साहब ने। फिल्म बसंत बहार के निर्देशक थे राजा नवाते साहब। मेरे बाबा की, वो एक महान संगीतकार थे, इसीलिए संगीत मेरी भी आत्मा है। मैं, आप मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको जानती हूँ। कई बार इस पृथ्वी पर मैंने छुप छुप कर बाद में आप किसकी नजर लग गई नहीं जानती। कैसे तुम्हारा दुख पटा लो पार, देखो मैं तुम्हारा नाम भी जानती हूँ। तुम गोपाल, मैं गोपी। फिल्म का बजट था 40 लाख रुपए। तुम बंसरी बजा कर देखना, मैं गाती नाचती तुम्हारे स्वर समेटने के लिए। फिल्म 1,55,00,000 रुपए कमाकर हिट रही थी। गोपाल, मुझे बड़ा अफसोस है कि एकाएक तुम्हारी आवाज खराब हो गई। 20 अप्रैल सन 1956 को एबीएम ने पेश की अपनी फिल्म भाई भाई। भाई भाई के कलाकार थे अशोक कुमार साहब, किशोर कुमार साहब और निरूपा रॉय साहिबा। राजेंद्र कृष्ण के गीतों की धुनें बनाई थी मदन मोहन साहब ने। जो मुझे चाहिए वो फिल्म भाई भाई का बजट था 35 लाख रुपए। यही तो मैं सोच रहा हूँ। फिल्म 1,15,00,000 रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। और दूसरा राजा। राजा जी? राजा आपके लिए कोई नया नाम तो नहीं?
मेरा मतलब है आपने किताबों में कई बार राजाओं की तस्वीरें देखी होंगी, कहानियां पढ़ी होंगी। तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था? इसी धरती पर जहाँ सबका होता है। 1 अप्रैल सन 1956 को प्रभात कुमार साहब ने पेश की अपनी फिल्म तूफान और दिया। फिल्म तूफान और दिया के कलाकार थे सतीश व्यास, नंदा साहिबा और राजेंद्र कुमार साहब। मेरी छोटी सी बहन देखो, भरत व्यास साहब के गीतों की धुन बनाई थी बसंत देसाई साहब ने। हाथों में गजरा, आँखियों में गजरा, जरा नखरे तो देखो दुल्हन के। तूफान और दिया का बजट था 30 लाख रुपए। वही कुछ खा लूंगा। फिल्म 1.5 करोड़ रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। आज बहुत प्यारा गया भैया, पर खैर तुझे बाद में दूंगी। तो फिर कौन खाएगा ऐसा घी में तला हुआ? क्या माँ खाएगी? मास्टर जी चले गए बेटी, उन्हें जल्दी। 6 जनवरी सन 1956 को सौरभ मोदी साहब ने पेश की अपनी फिल्म राजहट। फिल्म के कलाकार थे प्रदीप कुमार साहब, मधुबाला और सौरभ मोदी साहब। फिल्म के संगीतकार थे शंकर जयकिशन साहब। भीख मांगने के लिए पांडे जी, शेर कुत्तों के आगे नहीं गिड़गिड़ाता। सच है महाराज, शेर कुत्तों के आगे नहीं गिड़गिड़ाता, मगर क्षमा की लड़की वालों को हमेशा दबना ही पड़ता है। दबना पड़ता है, लेकिन एक वीर बेटी के वीर बाप को क्यों दबना पड़े? राजा बेटी भी एक राजपुतानी है, राजपुतानियां जौहर करती हैं, पति की लाश के साथ सती हो जाती है। मेरी कन्या सुहाग का सेंदूर लगाए हुए अकेली सती हो जाएगी। महाराज बस संग्राम, नगर में ढंडोरा पिटवा दो कि आज से शादी ब्याह या किसी भी खुशी का बाजा नहीं बजेगा। रियासत जगमेर के राजा, प्रजा और इस धरती पर सांस लेने वाले हर इंसान का कर्तव्य होगा शत्रु से बदला और बदले की। फिल्म का बजट था 35 लाख रुपए। फिल्म 1.4 करोड़ कमाकर हिट रही थी। सोने और चांदी के जेवरों के बदले सोप के गोले ढाले जाएंगे। सौगंध है मुझे महाशंकर और साक्षात ईश्वर की, अगर बक्तावर से अपने अपमान का बदला न लूं तो जिंदगी में चांडाल की मौत मारा जाऊं और मरने के बाद डोम के वंश में उतारा जाऊं। 30 अगस्त सन 1956 को राज कपूर साहब ने पेश की फिल्म जागते रहो। जागते रहो के कलाकार थे प्रदीप कुमार साहब, राज कपूर साहब और मोतीलाल साहब। शैलेंद्र और हसरत और प्रेम धवन के गीतों के संगीतकार थे सलील चौधरी साहब। कौन नहीं है चोर ते कि मैं झूठ बोलिया, कोई ना कि मैं कुफर सोलिया, कोई ना कि मैं जहर खोलिया, कोई ना भाई कोई ना भाई कोई ना। सच है पैट्रिक बाबूजी, वापसी का मेरा बटुआ मर गया, आपका लोट गिर गया था, तो मुझे वापस करो। तुम तो धर्मराज के संयम भाई मालूम होते हैं यार। अच्छा इसी बात पर क्या याद करोगे, एक सिगरेट पी जाओ। बाबूजी सिगरेट पीड़ी मुझे नहीं आती। सिगरेट नहीं आती थी, अच्छी बात है। तो देखो तुम कल रेस में चले जाना, वहाँ फ्लाइंग एलिफेंट एक गोवा है, उनको खेल देना। फिल्म का बजट था 40 लाख रुपए। फिल्म 40 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। फिल्म को बंगाली भाषा में भी पेश किया गया था। फिल्म का नाम था एक दिन रात्रे। ठंडा पानी पिएगा तो निमोनिया हो जाएगा। ये तो पैसे है ना तेरे पास, इससे जो कुछ मिले। 6 जुलाई सन 1956 को शक्ति सामंत साहब ने पेश की थी अपनी फिल्म इंस्पेक्टर। फिल्म के कलाकार थे अशोक कुमार साहब, गीता बाली साहिबा और प्राण साहब।
फिल्म के गीतकार थे एस एच बिहारी और संगीतकार थे हेमंत कुमार साहब। फिल्म का बजट था 30 लाख रुपए। फिल्म 80 लाख कमाकर एवरेज रही थी। तुम जल्दी से पर्वत नगर चले जाओ, वहां पर अच्छी सी कोठी देख लेना और वहीं से एक आया बुला रख लेना। तो अच्छे मालिक, सब इंतजाम होने के बाद मुझे फौरन खबर देना, माता जी के ऑपरेशन के बाद मैं चलाऊंगा। 1956 में ही डीडी कश्यप साहब ने पेश की अपनी फिल्म हलाकू। फिल्म हलाकू के संगीतकार थे शंकर जयकिशन साहब। के कलाकार थे प्राण साहब, मीना कुमारी साहिबा और अजीत साहब। ये पत्थर और धात के टुकड़े इंसान की खुराक नहीं है तो फिर क्या है? तुमने क्या समझ कर इन्हें जमा किया? अगर यही दौलत फौज की दुरुस्ती और मुल्क की तरक्की में खर्च की होती तो आज ना हम इस तख्त पर बैठे होते, ना तुम हमारे सामने बंदे खड़े होते। तुम्हारी हुकूमत खत्म हो चुकी है, तुम्हारी जिंदगी भी खत्म होना चाहिए। अपने बादशाह के बदले हम सबकी गर्दनें हाजिर हैं। और तुम्हारे बदले सुनताई ले जाओ, उन्हें कत्ल कर दिया जाए। आली जा, ये बुढ़ा खादिम इल्तजा करता कि नई रियाया पर रहम किया जाए, ईरानियों के साथ मोहब्बत का बर्ताव किया जाए। आता मालिक, तुम हमसे वो चीज मांग रहे हो जो हमारे पास नहीं। हम मूर्ति चीनों की औलाद, हमारी रगों में एक खुखार भेड़िए का खून दौड़ रहा है। किसी इंसान की रगों में भेड़िए का खून नहीं दौड़ सकता, खुदा ने हुजूर को इंसान बनाया। लेकिन उसने हमें गुस्से की हालत में पैदा किया, हम खुदा का कहर बनकर दुनिया में आए। बादशाह खुदा का कहर नहीं, खुदा की रहमत होता है, मुल्क और रियाया की हिफाजत का जिम्मेदार होता है। हम दुनिया को फतह करने के लिए पैदा हुए, दुनिया की हिफाजत हमारा काम नहीं। जो बादशाह हिफाजत नहीं कर सकता वो हुकूमत भी नहीं कर सकता। आदा मालिक। मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।